कुछ दिन पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म होने के बाद भाजपा श्रीनगर के कांग्रेस विधायक जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण के बहाने कांग्रेस को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान घेरने की तैयारी में थी, मगर बीजेपी जिन मुद्दों पर उन्हें घेरने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक जज्जी ने उन मुद्दों की हवा निकाल दी। मामला इस तरह है कि 2013 में उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने मेरा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया था, जिसके विरुद्ध में माननीय उच्च न्यायालय में मैंने याचिका लगाई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने पिछली मई में उन हाई पावर कमेटी को उस निर्णय को निरस्त करते हुए और पुनः जांच के आदेश दिए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जब तक जाँच छानबीन समिति नहीं करी तब तक आप कोई इस प्रमाण पत्र का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन प्रमाण पत्र को यथावत रखा था, निरस्त नहीं किया था। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम का माहौल फैला रहे थे कि उनका ये आरोप था, ये कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये कोई लाभ नहीं ले सकते, इसलिए इनके विधानसभा के या विधायक के सारे जो लाभ हैं वो इनसे छीने जाना चाहिए। और इस बात को लेके उन्होंने माननीय हमारे अध्यक्ष विधानसभा पर भी आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, कि वो प्रहलाद लोधी जी के भाई के बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और कांग्रेस के एमएलए के बारे में निर्णय नहीं ले रहे हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, जबकि वो गलत आरोप लगा रहे थे। तो इसी को लेके मेरे प्रतिद्वंदी लड्डूराम कोरी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक आईए लगाई थी, जिसमें उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की थी कि इसके विधानसभा के जो भी अधिकार हैं वो फ्रीज किए जाएँ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके उस आईए को निरस्त करते हुए ये कहा है कि ये अब कोई भी जो भी इनके विधानसभा से संबंधित निर्णय होगा वो जो इनने इलेक्शन पिटीशन लगाई उसका जब फाइनल हियरिंग होगी उस समय इन पर विचार किया जाए, उसके पहले किसी भी इशू पे कोई विचार नहीं किया जा सकता। तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक चुनाव निर्वाचन याचिका का निर्णय नहीं होता तब तक मेरी विधायक की यथावत रहेगी और उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला किसी भी निर्णय से।